दोस्तों गरुड़ पुराण में मृत्यु से संबंधित अनेक गुप्त बातें बताई गई है। मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक तक किस प्रकार जाती है, इसका विस्तृत वर्णन भी गरुड़ पुराण में किया गया है। आज के अपने इस वीडियो में हम आपको गरुड़ पुराण में लिखी कुछ ऐसी ही खास व रोचक बातों के बारे में बतला रहे हैं जिन्हें सामान्य लोग नहीं जानते। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वह बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। अंत समय में उसकी सभी इंद्रियां अर्थात बोलने सुनने आदि की शक्ति नष्ट हो जाती है और वह हिल डुल भी नहीं पाता। उस समय दो यमदूत वहां आते हैं। उस समय शरीर से अंगुष्ठ मात्र अर्थात अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है जिसे यमदूत पकड़ लेते हैं। फ्रेंड्स यमराज के दूत उस आत्मा को पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। जैसे राजा के सैनिक अपराध करने वाले को पकड़कर ले जाते हैं उस जीवात्मा को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत डराते हैं और उसे नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में बार बार बताते हैं। यमदूतों की ऐसी भयानक बातें सुनकर आत्मा जोर जोर से रोने लगती है किंतु यमदूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं करते। इसके बाद वह जीवात्मा आग की तरह गर्म हवा तथा गर्म बालू जिस पर वह चल नहीं पाती और भूख प्यास से तड़पती है। तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे ले जाते हैं। वह जीव जगह जगह गिरती है और बेहोश हो जाती है, फिर उठकर चलने लगती है। इस प्रकार यमदूत जीवात्मा को अंधकार वाले रास्ते से यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99,000 योजन अर्थात योजन वैदिक काल की लंबाई मापने की इकाई है। एक योजन बराबर होता है 4 कोस यानी 13 से 16 किलोमीटर। वहाँ यमदूत पापी जीव को थोड़ी ही देर में ले जाते हैं। इसके बाद यमदूत उसे सजा देते हैं। इसके बाद वह जीवात्मा यमराज की आज्ञा से यमदूतों के साथ फिर से अपने घर आती है। घर आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा करती है लेकिन यमदूत के बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाती और भूख प्यास के कारण रोती है। पुत्र आदि जो पिंड और अंत समय में दान करते हैं उससे भी उसकी तृप्ति नहीं होती। इस प्रकार भूख प्यास से युक्त होकर वह जीव यमलोक जाता है। दोस्तों इसके बाद उस यात्मा के पुत्र आदि परिजन यदि पिंड दान नहीं करते तो वह प्रेत बन जाती है और लंबे समय तक सुनसान जंगलों में रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंड दान अवश्य करना चाहिए। पिंड दान से ही आत्मा को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों शव को जलाने के बाद मृत देह से अंगूठे के बराबर का शरीर उत्पन्न होता है। वही यमलोक के मार्ग में शुभ अशुभ फल को भोगता है। पहले दिन पिंड दान से मुर्दा अर्थात सिर, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से हृदय, चौथे दिन के पिंड से पीठ, पांचवें दिन से नाभि, छठे और सातवें दिन से कमर और नीचे का भाग, आठवें दिन से पैर, नौवें और दसवें दिन से भूख प्यास आदि उत्पन्न होती है। दोस्तों यमदूतों द्वारा 13वें दिन आत्मा को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद वह भूख प्यास से तड़पती हुई यमलोक तक अकेली ही जाती है। यमलोक तक पहुँचने का रास्ता बैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन है। 47 दिन लगातार चलकर आत्मा यमलोक पहुंचती है। इस प्रकार मार्ग में 16 पुरियों को पार कर जीव यमराज के पास पहुंचता है। तो दोस्तों यह थी जानकारी गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर से प्राण निकलने के बाद क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।